बिग बॉस ओटीटी के घर में होने जा रही है टीवी की सबसे वाइल्ड नागिन की एंट्री। जी हाँ, एकता कपूर की पॉपुलर फ्रेंचाइजी नागिन की एक जानी मानी और बड़ी एक्ट्रेस बिग बॉस ओटीटी के घर में धमाल मचाने आ रही हैं, और ये कोई और नहीं बल्कि अपने फैशन और अपने बिंदास अंदाज से सुर्खियों में रहने वाली एक्ट्रेस निया शर्मा है, जिन्होंने नागिन 4 में वृंदा बनकर खूब धूम मचाई थी। यह खबरें सामने आई हैं कि निया 1 सितंबर को शो के बाकी कंटेस्टेंट्स को ज्वाइन करेंगी। रिपोर्ट्स की माने तो निया को बिग बॉस के पिछले कई सीजन अप्रोच किए गए थे, लेकिन उन्होंने हमेशा इस कॉन्ट्रोवर्शियल शो का हिस्सा बनने से इनकार कर दिया। अब आखिरकार मेकर्स ने उन्हें उनकी शर्तों पर शो में शामिल करने के लिए मना लिया है। और आपको बता दें कि निया की एंट्री से घर में पूरी तरह से गेम पलटती नजर आ सकती है, क्योंकि एक तो निया टीवी की पॉपुलर एक्ट्रेस हैं, साथ ही उनकी आने से ग्लैमर का तड़का भी खूब देखने को मिलेगा। वहीं जिस तरह से निया हर बात को बेबाकी से बोलती हैं, उससे इतना तो साफ है कि घर में वो बाकी कंटेस्टेंट पर भारी पड़ती नजर आएंगी। ऐसे में घर में उनकी एंट्री दूसरे कंटेस्टेंट्स पर कैसे धमाल मचाएगी, जाहिर तौर पर इस चीज को देखने के लिए फैंस निया की एंट्री के लिए एक्साइटेड जरूर होंगे। आपको बता दें कि पिछले काफी वक्त से शो में वाइल्ड कार्ड एंट्री की बात कही जा रही थी। कई स्टार्स के नाम वाइल्ड कार्ड एंट्री के तौर पर सामने भी आए थे, लेकिन अब फाइनली निया के नाम की चर्चाएं काफी हो रही हैं। हालांकि निया के आने से बाकी कंटेस्टेंट्स के लिए गेम कैसे पलटी मारेगा, ये देखना काफी दिलचस्प रहेगा। आपको बता दें कि बिग बॉस ओटीटी सिर्फ 6 हफ्ते तक चलने वाला है। इसके बाद सलमान खान अपना शो बिग बॉस 15 लेकर टीवी पर आएंगे। ओटीटी के कुछ सदस्य चैनल पर नए कंटेस्टेंट्स के साथ भी नजर आने वाले हैं। इस लिस्ट में अर्जुन बिजलानी और नेहा मारदा का नाम भी शामिल है। मौजूदा गेम देखकर लग रहा है कि प्रतीक, दिव्या, राकेश और शमिता शेट्टी भी उस शो का हिस्सा बन सकते हैं। वेल, निया को शो में उनकी असली पर्सनैलिटी में देखने का इंतजार फैंस जरूर कर रहे होंगे। वेल, आप निया की एंट्री पर क्या कुछ कहना चाहते हैं? शेयर कीजिए अपने जवाब नीचे कमेंट सेक्शन में।